कहते हैं भगवान है सामने, ये नहीं कहे कि आप हमको वैकुंठ ले जाए, ना हमको वैकुंठ नहीं जाए, तो आखिर तुझे चाहिए क्या? तो कहते ममोदम सुलो कजनेशम, हे नाथ यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो आप अपने प्राण प्यारे भक्तों का संग दे। महाराज उनके संग में रहकर जो लीला कथा का सुख मिलता है वह सुख वैकुंठ में नहीं, कथा कीर्तन में जो सुख है वैकुंठ में नहीं। इसलिए भागवत में लिखा गया है कि जिस जो रस मिल रहा है कथा में वो रस स्वर्ग सत्य च वैकुंठे, स्वर्ग सत्य च कैलासे वैकुंठे नास्ति अयम रसा। जिस रस की चर्चा श्री रघुनाथ दास गोस्वामी रूप गोस्वामी पाद श्री गौरांग महाप्रभु गंभीरा में जो रस का स्वादन करते हैं वो रस स्वर्ग में नहीं, सत्य लोक ब्रह्मा जी के लोक में नहीं, यहाँ तक कि कैलाश में भी नहीं, कहाँ तक वैकुंठे नास्ति अयम रस। अतः पिबन्तु सद्भाग्य मामा मुंचत करीचि, अरे भाग्यशाली जनो तुझको यह रस यही संभव। इसीलिए वित्रासुर कहते हैं कि बस हे प्रभु यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो आप अपने भक्तों का संग दें। ममोत्तमश्लोक जनेश सुसख्य, हमारे कर्म बसात जिस हमारा जैसा कर्म है उस कर्म बसात जिस जोनी में चले जाओ कोई बात नहीं, लेकिन अपने भक्तों का संग हमें दीजिए। अरे भाई कुत्ता भी बनाना तो किसी भक्त के घर का कुत्ता बने, कम से कम प्रसादी तो मिलेगा खाने के लिए, तो वैसा हमें संग दे। वैसे लोगों का संग मत दीजिएगा, किन लोगों का संग नहीं देना है तो त्वन मायात्मा मजदार गेह स्वासक्त चित्तस्य ननाद। आपके माया से मारे हुए लोग जिसका मन धन में लगा हुआ है, त्वन मायात्मा आत्मज बेटा में लगा है, जिसका मन स्त्री में लगा है बेटा में लगा है धन में लगा है, हे प्रभु उन लोगों का संग मुझे कर, नहीं तो हमारा चित्त खराब हो गया, हम लोग संसार में दुर्गति क्यों भोग रहे हैं कि वैसे लोगों का संग कर रहे हैं, खाने पीने सोने ऐसे लोगों के, संसार में केवल एक ही चीज है, कहते हैं ना केवल एक चीज, केवल दुनिया में कोई इंजीनियर बन जाए डॉक्टर बन जाए प्राइम मिनिस्टर बन जाए जितना ओपुलेंस प्राप्त, केवल फूड एंड सेक्स केवल दो ही काम, तीसरा काम नहीं, दुनिया का केवल यही काम, अरे भक्ति इससे बिल्कुल ऊपर की चीज। तो पैसा लोगों पैसा वालों का संग मुझको कथा भी बद देना, जो संसार में रात उन लोगों का मुझे संग बद देना। जजाति महाराज तो कहते हैं कि हम मृगों के साथ पशुओं के साथ रह लूंगा लेकिन मनुष्यों के साथ नहीं रहूंगा जिसका मन धान में स्त्री में है, नवमस्कन में जजाति महाराज कह रहे हैं वैसे लोगों का संग मत रहा, नहीं तो मन में जहाँ प्रियालाल की दिव्य लीलाओं का स्मरण हो वहाँ संसार का स्मरण हो गया। मैं देखता हूँ दो आदमी कहीं बाहर से आ जाए तो अपना बिजनेस व्यापार चालू हो जाए, अरे भरा साधु में भी आकर कहते तुम ऐसे करोगे तो पैसा मिलेगा, तो उन लोगों का संग का दोष है क्योंकि वे अपने जीवन का लक्ष्य केवल पैसा बना दिए, तो वैसे लोगों का कदापि संग मत करें नहीं तो नष्ट हो जाएगा। संग करना भी है किसका, तो महात्माओं का संग, महापुरुषों का संग करें जिसके संग से भगवत कथा होती है, और जिनके संग कुबधि उपचत है परत भजन में भंग, जिनके संग रहने से हमारा बुद्धि गड़बड़ा जाता है, आश्रम बनाना मठ बनाना मंदिर बनाना ये भी इस बहुत संसार खतरनाक काम है, क्योंकि ये काम सेठ साहूकारों का, एक महात्मा गिरिराज जी में परिक्रमा कर रहा है, एक विष्ट साधु का अच्छा महात्मा भजनानंदी स्वर तो आगे आगे जाकर के भजन करते हुए जा रहा था, तो उसके मन में आया कि वो हमें गौशाला खोल लेते, एक मंदिर बना लेते हम बेकार इधर उधर, फिर मन में आया कि ऐसा हमको संकल्प क्यों आ रहा है, तो पीछे पीछे एक सेठ आ रहा है, और सेठ संकल्प करता हुआ आ रहा था कि उनको साधु मान लेते साधु मिल जाता तो उसके नाम से हम अपना बिजनेस काम करते, सेठ साहूकार क्या है, साधु सोचता है कि हमको पैसा दे रहा है, साधु सिर्फ सबका बहुत स्वभाव होते बहुत बुरी बात, साधु को रख करके अपना काम करता है, एक रुपया जो भी देता है सेठ साहूकार वो बहुत स्वभाव, साधु सोचता है कि हम मन गया पैसा, लेकिन कितना बड़ा घाटा में जा रहा है बेचारा,
उसको पता नहीं, सारा नष्ट धीरे 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 धीरे। वृंदा पर एक गिरिराज में एक महात्मा था, तीन परिक्रमा रोज करते थे गिरिराज, अपने सिर पर तुलसी ले करके तीन परिक्रमा रोज, इतना परिक्रमा किए कि उनके शरीर से दिव्य सुगंध निकलने लगी। सेठ उनके पीछे पड़े, धीरे धीरे सेठ तो चलाक होते हैं, धीरे धीरे उनका पूरा सुगंध खींच, उनके नाम से मठ बना दिए, उनके नाम से गौशाला खोल दिए, हॉस्पिटल खोल दिए, उनका जितना सुगंध था वो धीरे धीरे। इसीलिए भक्त लोग, इसीलिए महात्मा लोग रो रो करके प्रार्थना करते, हे नाथ मुझको उसका संग मत मिले, तुम माया आत्मा मजदार गे स्वासक्त चित्त से नाथ भूया। संग यदि करना भी है तो किसका संग करें, तममो तमसलोक जने सुसख्यम संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्म भी त्वन मायात्मात्मजदार गे स्वासक्त चितस्य ननात भूयात्। बस महत्पुरुषों का संग मिले, जीवन का सबसे बड़ी उपलब्धि है किसी संत का चरण मिले, बस इससे बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं। अरे महाराज भगवान भी इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना संत महत्वपूर्ण। भगवान तो का उसको लेकर हम लोग क्या करेंगे, बस एक संत मिल जाए तो भगवान का पूरा एक एक रस संत लोग दूर देते। संत महात्मा यदि मिल जाए तो जैसे सेठ साहूकार साधुओं का एक एक गंध रस खींच लेता है, पैसा दे दे करके खिला खिला करके पूरा खींच लेता है, वैसे महत्पुरुष यदि संत महात्मा मिल जाए तो अपने गुण भगवान के जितने गुण है सब संत लोग खींच लेते। भागवत में लिखा गया है, जस्यास्ति भक्ति भगवत्य किंचना सर्वै गुणास्तत्र समासते सुरा हराव भक्तस्य कुतो मद गुणा। जो हरा अभक्त है उसमें भला गुण कैसे टिक सकता है। जो श्री कृष्ण के नाम रूप गुण लीला इत्यादि का जो चिंतन करता है, भजन करता है, तो प्रिया जी की जितने भी गुण हैं सब गुण उस भक्त के हृदय में प्रकट हो जाते हैं। देखिए किशोरी जी की कोई सेवा नहीं है, सभी देवी देवताओं का बांट दिया गया है काम करना है, काम किशोरी जी का कोई सेवा नहीं है, लेकिन जो साधक प्रिया जी का चिंतन करता है प्रिया जी गोलोक में रह नहीं पाती, अपनी लीला में नहीं रह पाती। रघुनाथ दास जी के विषय में है कि साक्षात प्रिया लाल आकर के उन धूप में थे तो अपने आंचल से छाया कर रहे हैं, पानी वहां बाघ पी रहा था तो श्याम सुंदर आकर रक्षा कर रहे हैं। तो ये भगवान का जो दिव्य सदगुण है वो भक्त के हृदय में प्रकट हो जाता है चिंतन करते करते, ठाकुर जी का चिंतन करते करते ऐसी स्थिति आ जाती है। वही रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं, जीवन मरण नीति तुम्ही से अमार गति, अब हमारा जीवन रहे चाहे मरण रहे केवल हमारी एक ही गति है आप, आमी जे तुम्हारी आमी जे तुम्हारी, बस मैं केवल आपका हूँ, केवल आपका हूँ, बस आपका हूँ आपका हूँ, ये सूत्र है मंत्र है, बस तबई वास्मी न जीवामि त्वया बिना, मैं आपका हूँ तुम्हारा बिना ये जीवन बुझिलाम अकारण, यदि आप मुझे प्राप्त नहीं होगे तो ये जीवन अकारण चला गया। और ठीक साधक जब ऐसी स्थिति प्राप्त हो जाए कि हमारा जीवन केवल प्रियालाल के सुख के लिए है तो बस हो गया और कुछ है ही नहीं, इतनी स्थिति आ जाए हम जी रहे हैं खा रहे हैं पी रहे हैं, मेरा एकमात्र लक्ष्य प्रिया जी का चरण कमल है, यह जानी देवी मोर दासी अंगीकार करो, हे प्रियाजू यह समझ करके कि आपके बिना मैं जीवित नहीं रह सकती हूँ आप मुझे कृपा करके स्वीकार कर लीजिए, निज पाद पद में दो स्थान, अपने चरण कमल में स्थान दे, कोई सेवा दे मैं आपकी सेवा करती रहूँ, श्री स्निग्ध चरण छाए कवि गो जुड़ाए हाय दासी ये तापी प्राण, ये दासी की तापी तपा हुआ शरीर है पागल हो गई है आपके बिना, उसका शरीर जल रहा है दहत दहत की मयूर विषय हृदय जल रहा है, हे प्रिया जी आप कृपा करके
अपने चरण में स्थान दे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ऐसी जब स्थिति आ जाती है, साधक की जब स्थिति आ जाती है, तब प्रतिज्ञा कर लेता है अब हम प्रिया जी के स्थान को छोड़ करके कहीं जाएंगे। क्षण द्रव्यर्थ कालत्वम विरक्तिर मान्य शून्य आशा बंद समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि आसक्तिस्तद गुणाख्याने प्रीतिस्तद वसतिस्तद। ऐसा जब भाव आ जाता है तो रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं अत्रैव मम संवास, अब मैं इस जगह को छोड़कर अन्यत्र कहीं जाऊंगा। प्रीति स्थल वसति स्थले आपकी स्थल नहीं रहेंगे और करेंगे क्या तो नाम गाने सदा रुचि जात रति भक्त के हृदय में हमेशा नाम चलता रहता, नाम के बिना वो जीवित नहीं रह सकता है, वो संसार के बखेड़ों से बड़ा दूर रहता है। ये हम लोग कितने बार ये संसार की बखेड़ा किए हैं, कितना कृपा से हम लोगों का मानव शरीर मिला, फिर महत्पुरुष का संग मिला, अब इस संग को बर्बाद नहीं करना है। तो उसके लिए काम क्या है तो बस वसति स्थले और नाम गाने सदा रुचि। और उसकी आसक्ति कहाँ रहती है तो ठाकुर जी के गुण के आख्यान में आसक्ति तद गुणाख्याने प्रीति तद वसति स्थले। अब स्थिति यही आ जाती है कि प्रिया लाल ही हमारे प्राण प्यारे हैं, प्रियालाल दोनों एक दूसरे की गलबहियां देख करके इस ब्रज में विहार करते रहे और मैं अपने नेत्र से देख करके उनकी सेवा करते रहे, उनको खिलाएं, उनके साथ रहें, उनके साथ नाचें, उनके साथ गाएं, बस हमारे जीवन का लक्ष्य यही हो गया, इसके अतिरिक्त अब हमारा मन कहीं जाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अरे भाई संसार में भी यदि कुछ चाहिए, रोटी दाल की यदि चाहिए तो वो भी नाम से देते हैं, अब नाम को छोड़कर दूसरे की शरण में नहीं देना चाहिए। भगवान कहते हैं वो आनंद के लाडले, हम लोग किसके लाडले हैं, दुख के लाड़ ले, आनंद के लाड़ ले है ना, वो आनंद के लाड़ ले। जब तुम मेरा आश्रय ले लिया तो तुम किस बात का चिंता कर रहा है, वो आनंद के लाड़ ले। जब तुम मेरा आश्रय ले लिया, जब तेरे गुरु ने तुम्हारे कान में मेरा नाम दे दिया तब तुम किस लिए चिंता करता है। अरे भाई दास उदास के जब दास हो गए तो उदास क्यों रहता है, इसका मतलब तो दास हुआ नहीं, दास उदास के। अरे तुम्हारा घाटा ना फाजब ठाकुर जी का, तुम्हारा तो कुछ है नहीं, तुम्हारा एक ही कायम नाम, मैंने ही तो तेरा भाव सब ग्रहण कर लिया, तुम जानते नहीं है। एक बार यदि कोई मेरे शरण में आता है न वासुदेव भक्ता नाम अश्वम विद्यते कुजिम जन्म मृत्यु जरा व्याधि भयम नहीं वो पुजारी थे,
एक बार जो ठाकुर के शरण में आकर के दोनों हाथ उठाकर कहता है नाथ मैं आपका हूँ, तो भगवान भी दोनों हाथ उठाकर कहते हैं अब तुझको कोई भय नहीं। कहां तक कहे जन्म मृत्यु जरा व्याधि भयम नैव उपजाय, अब तुमको कोई मेरे भक्तों के लिए किसी तरह का अशुभ टिक ही नहीं सकता है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के भय से वो मुक्त रहता है। तू और कोई भी चिंता मत कर, केवल मेरा नाम ले, मेरा ही चिंतन कर, मैं अपने भक्तों के कोटि कोटि अपराध को माफ कर देता हूँ। सुन मेरा उद्घोषणा तो सुन, अहमेवा समेवा ग्रे नान्यत सत सत सपहम सत परम पश्चाद हम यदि तस्त्र सो वशिष्यत सोस्य। सृष्टि के पूर्व अकेले मैं था, जब सृष्टि पूरा नष्ट हो जाएगा तो अकेले मैं ही रहूंगा, तो बीच में भी जो ईंट पत्थर मकान पशु पक्षी स्त्री पुरुष देखते वो भी मैं ही। कितना सुंदर से अहमेवा समेवा ग्रे, सृष्टि के पूर्व अकेले मैं था, मेरे अतिरिक्त कार्य स्थान कारण था, स्थूल था न सूक्ष्म था, और जब मेरे बाद भी सृष्टि के बाद भी अकेले मैं ही रहूंगा तो बीच में जो सब दिख रहा है वो भी तो मैं ही हूं, तब तुम डर किस बात की। पहले एकमात्र मैं था, अरे तेरा रोग भी मैं हूँ, तेरा शोक भी मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ, कुछ है नहीं, रोग दुख भी तुम्हारे पास आया है तो वही आया हूँ। राधा बाबा को जानते हैं, राधा बाबा का नाम सुने आप, गोरखपुर में रहते थे राधा बाबा, उनको एक बार बुखार आया, तो बुखार आया तो बुखार से कहते हैं जब सारा संसार भगवान है तो अभी तो भगवान मलेरिया भी भगवान है, हे मलेरिया भगवान का, हे मलेरिया भगवान, आप किसी के पास जाते हैं तो इंजेक्शन द्वारा आपको लोग स्वागत करते हैं, लेकिन मैं ऐसा काम नहीं करता, जितना दिन रहना आप मेरे शरीर पर है, जब आप ही हैं तो दूसरा तो है बुखार एक दिन में छूटकर पर वो समझ गया कि ये तो चोरी पकड़ लिया, अरे हम लोग क्यों दुखी हो जाए बेटा बेटी, अरे भगवान नहीं है तो अन्य मान कर क्यों रो रहा, तेरा रोग सुख दुख ज्वाला यंत्रणा सब मैं ही हूँ, तेरा मान अपमान सुख दुख शांति अशांति सब मैं ही हूँ, मेरे सिवा कुछ है ही नहीं तो ये सब कहाँ से आ गया, ये सब कुछ तो मैं ही, अनंत कोटि ब्रह्मांड में व्याप्त एकमात्र मैं ही हूँ, बहुरूप मैं जगत में अनंत खेल कर रहा हूँ, नाम कीर्तन करते करते तो मुझे पकड़ रहा, पुरुषार्थ का सर्वश्रेष्ठ साधन नाम से करते मोहित क्यों हो जाते हो, विराम छोड़ देते हो, इसे तो निश्चय जान, नृसिंह वामन राम कृष्ण का अवतार जैसा है वैसे नाम भी मेरा अवतार है, मैं कली पीड़ित जीवों को उद्धार करने के लिए नाम रूप में आया हूँ, नाम कीर्तन करना और मुझे प्राप्त करना एक ही बात है, तुम किसी की ओर चिंता मत कर, केवल नाम लिया कर, मैं मृत्यु सागर से तुझे उद्धार करूंगा, तू मुझे प्राप्त करेगा निश्चय प्राप्त करेगा, तू केवल एक काम कर, क्या कर, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम, हरे हरे। जमुना तीर नीर निकुंज मंदमा स्थितम प्राह प्रेम भरोद्भ्रांतं माधवं राधिका सखी। जमुना के तीर पर बेतों के कुंज में चुपचाप बैठे हुए प्रेम की अधिकता से उद्विग्न मन माधव के प्रति राधिका की सखी इस प्रकार कहना प्रारंभ, मिल गया, मिल गया, कौन सर, चतुर्थ सर। जमुना तीर वा नीर निकुंजे मंदमा स्थितम प्राह प्रेम भरोद्भ्रांतम माधवम राधिका सखी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम,
हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे निंदति चंदन बिंदु किरण मनु बिंदति खेदम वीरम जाल निलय मिलने न करल निव कलयति मलय समीरम शापि रहे तव दीना माधव मन सिज विषिक भया दिव भावन त्वयि लीना हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हे माधव माधव हे माधव हे माया के भाव माया के पति हे राधा पति तौ विरह दीना आपके विरह में किशोरी जी बहुत दीन है। उनको हो क्या गया है तो मनसिज विषिक भया मनसिज विषिक भया भावनया तोय लीना मनसिज कामदेव के तीक्ष्ण बाण के भय से आपका भावना करते हुए वह राधा क्या कर रही है तो चंदनम निंदन थी वो चंदन को गाली दे रही राधा रानी गाली किसको दे रही चंदन को निंदती चंदनम निंदन थी आ इंदु किरणनम दृष्टवा अधीरम खेदम बिंदन और चंद्रमा के शीतल किरण को देख करके बड़ा भयंकर कष्ट हो रहा है मलय समीरम और ठंडा ठंडा मलयागिरी का सुंदर सुंदर जो हवा चल रहा है मंद सुगंध हवा वो उनको विष जैसा लग रहा है सर्प जैसा लग रहा है गरलम युवक अलय हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 रघुनाथ दास गोस्वामी को ये सब स्थिति हो रहा है राधा कुंड के तट पर निंदति चंदन बिंदु किरण मनु बिंदति खेदम धीरम ब्याल निलय मिलने न करल निव कलयति मलय समीरम शामिल हे तब दीना माधव मन सिज विषिक भया दिव भावनया त्वयि लीना हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे आपको नहीं देख करके जी अकेले हैं तो ये दुष्ट काम भी अपने बाण से प्रहार कर रहा है और ऐसा भयंकर भयंकर बाण मार रहा है कि आपके मूर्ति को हृदय में है उसको रक्षा कर रही है भले मैं मर जाऊं हमारे प्यारे को तो कष्ट ना हो ऐसी स्थिति प्रिया जी की है अविरल निपतति मदन सरादेव भवदव नाय विशालम स्वहृदय मर्मणि वर्म करोति सजल नलनी दल जालम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे सात पूर्वोक्ता राधा वही राधा अविरल निपतति मदन सराय अखंड रूप से प्रति क्षण काम का जो सर लग रहा है तो तद तद भावनया इव स्व हृदय मर्मणि सजल नलनी दल जालम विशालम वर्णम करो प्रिया जी
कमल के पंखुड़ियों को पानी से भिगो भिगो करके अपने छाती पर रख रहे कि हृदयस्थ हमारे प्यारे को कहीं कष्ट न हो। आयुर्वेद का एक नियम है, यदि किसी को भयंकर बुखार आ गया हो तो कमल के पंखुड़ियों को यदि शरीर पर रखा जाए तो बुखार खींच लेता है। तो प्रिया जी भी देखी कि ये काम सर मार रहा है, हमको अकेली जान करके मार रहा है, तो स्वहृदय मरमणि सजल नलनी दल जालम विशालम वर्णन करो। अपने हृदय पर वह कमल पत्ते को रख रही है जिससे हमारे हमारे प्राण बंधु प्यारे को रक्षा हो जाए। आओ कैसे मार रहा है, कुसुम विशिखर तल्प मनल्प विलास कला कमनीय व्रतमिव तव परिरंभ सुखाय करोति कुसुम शयनीयम्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। प्यारे श्याम सुंदर के लिए प्रिया जी वासक सज्जा नायिका बन करके नूतन नूतन किसलय पुष्पों को तोड़ करके सज्जा बना रही। कुसुम विशिख सर तल्प मनल्प विलास कला कमनीयम् व्रतमिव तव परिरम्भ सुखाय करोति कुसुम शयनीयम्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। लेकिन आपके विरह में ठीक उल्टा हो गया, कोमल कोमल पुष्प के पंखुड़ियों की जो सज्जा लगा है वो लगता है कामदेव की बाण की सज्जा है। आपके बिना में वह सज्जा हमें कष्ट दे रहा है। बहती चलित विलोचन जलधर मानन कमल मुदारम विधुमिव विकट विधुम तदनंत दलन गलितामृत धारम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे। चंद्रमा कहाँ से, चंद्रमा का विरोधी कौन है दुश्मन? राधा रानी के दारुण राहु के दांतों से दलन से निकली है अमृत की धारा जिससे, ऐसे चंद्रमा के समान चली जल धारा जिसमें ऐसे नेत्र वाले और मनोहर मुखारविंद को धारण करती हैं, अर्थात आपके वियोग में भयंकर विलाप कर रही हैं। अब अपने प्राण बचाने के लिए क्या करती हैं? तो आपका चित्र बनाती हैं। बिलखति रहसि कुरंग मदेन भवंतम सम सर्वभूतम् प्रणमति मकर मधो विधाय करे च शरम नवजूतम्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अतिशय विरह होता से प्रिया जी प्यारे श्याम सुंदर के विरह में इतना जल रही हैं कि अपने जलन को शांत करने के लिए प्यारे श्याम सुंदर के श्री विग्रह को अपने हाथ से प्रिया जी के हाथ से प्यारे श्याम सुंदर का मूर्ति बनता है। आप उस मूर्ति में फिर फूल चढ़ाती हैं, कमल चढ़ाती हैं और प्रणाम करती हैं। मकरम च पुनः तव करे नवचूतम शरण विधाय प्रणमति। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कपि पद मित मति निगल ति माधव तव चरण पतितां त्वयि विमुखे मयि सपदि सुधा निधिरपि तनुते तनुदाहम् हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हे श्री कृष्ण साराधा जस तमपि विमुखे सति मयि सुधा निधि अपि तनुदाहं तनुते अतः हे माधव अहम् तव चरणे पतितम् इदम् अपि प्रतिपदम् निगदति। वह राधा आपके विरह में आपके विमुख रहने से आपके दूर रहने से यह सुधा निधि यह लक्ष्मी का भाई चंद्रमा है हमको जीवित रहने नहीं देना चाहता। कि चंद्रमा सोचता है कि मैं अपने बहन की सौत को मारी ना तो अपने किरणों के द्वारा हमको जलाना चाहता और जलाना चाहता है। तो राधा रानी प्रिया जी राधा रानी श्याम सुंदर के चरण कमल में प्रणाम करती हैं और प्रणाम करके कहती हैं हे प्राणनाथ आप मुझको एक क्षण के लिए भी त्यागो मत। प्रतिपदमिदमपि निगदति माधव तव चरणे पतितां त्वयि विमुखे मयि सपदि सुधा निधिरपि तनुते तनुदाहम् हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ध्यान लयेन पुरः परिकल्प भवन्तमतीव दुरापम् लीलपति हसति विशीदति रोदति चंचति मुंचति तापम् हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हे श्री कृष्ण साराधा अतीव दुरापम भगवंतम ध्यान लयेन पुरः परिकल्प वराधा ध्यान में चित्त की एकाग्रता के द्वारा दूतियों के द्वारा जो दुर्लभ आप हैं और आपकी कल्पना करके देखिए मैं चिंतन में प्रेमास्पद दूर नहीं रहता चिंतन ही तो मुख्य बात है।